पाकिस्तान में आखिर सस्ता है ही क्या? अरे है, बहुत कुछ है, और वो है यहाँ की इंटरटेनमेंट। मैं बात कर रही हूँ इंटरटेनमेंट एप्स की, जो दुनिया भर में महंगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। सबसे पहले नेटफ्लिक्स को ही ले लें। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान है सिर्फ 250 रुपए का, और प्रीमियम प्लान मिलता है 1100 रुपए में। इसके मुकाबले में अगर हम अमेरिका को देखें, तो वहाँ बेसिक अकाउंट के लिए देने पड़ते हैं $10, और अगर प्रीमियम लेना हो तो देने पड़ते हैं $20। जी हाँ, अगर अमेरिका में प्रीमियम अकाउंट खरीदें तो पाकिस्तानी 5,500 रुपए देने पड़ेंगे। यानी वहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में नेटफ्लिक्स 5 गुना महंगा है। चले, अमेरिका तो बहुत दूर की दुनिया है, अब अपने पड़ोसी मुल्क में ही देख लें। इंडिया में नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान $2.41 का है, और प्रीमियम प्लान 7.90 का, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 2200 रुपए से भी ज्यादा का। हो गया ना 2 गुना महंगा। और ये ही कहानी दूसरे ऐप्स की भी है। स्पॉटिफाई को ही देख ले, अमेरिका में $16 से भी ज्यादा का है, और बर्तानिया में $19 का, लेकिन पाकिस्तान में कीमत है सिर्फ $1.50 से भी कम। यहाँ तो स्पॉटिफाई इंडिया और बांग्लादेश से भी सस्ता है भाई। आखिर क्यों? इसकी वजह है हमारी परचेजिंग पावर। साफ अल्फाज में कहे तो जितनी औकात उतने पैसे। पाकिस्तान में अपनी हुकूमत सब्सिडी पर पेट्रोल नहीं देती। अब आप ये कहेंगे कि पेट्रोल तो बाहर से आता है इसीलिए महंगा है, लेकिन जो चीज मुल्क में पैदा हो रही है वो कौन सी मुफ्त में मिल रही है भाई? हमारी हुकूमत तो इन पर भी कोई रियायत नहीं देती, लेकिन एक नेटफ्लिक्स है जो हमें सब्सिडी देता है। बस थोड़ी सी गैरत अमेज़न प्राइम भी कर ले, पाकिस्तान में एक महीने के $6 ले रहा है, यानी जितने पैसे हांगकांग, साउथ कोरिया और स्वीडन वाले दे रहे हैं उतने ही पैसे हमसे भी। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाला काम कर दिया बेजोस भाई ने।